आलू की सब्ज़ी तो हर किसी को पसंद है, तो आज हम इसे कुछ नए अंदाज़ में बनाते हैं। चटपटी और बहुत ही मज़ेदार आलू की सब्ज़ी हम बनाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी और बग़ैर प्याज और टमाटर के हम इसे बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पैन में ऐड कर देनी है 2 टेबलस्पून राई, और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करनी है 12 से 15 काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून साबुत जीरा। जितनी हमें राई लेनी है उसकी आधी क्वांटिटी में हमने धनिया और जीरा लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो बस हमने इसको थोड़ा रोस्ट कर लिया। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे हम रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर मिक्सी के जार में ऐड करके इसे पीस लेंगे। तो अब हमने सब्ज़ी के लिए 5 से 6 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। आप इसकी जगह पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। और अब हमें इसमें 3 सूखी लाल मिर्चें ऐड कर देनी है और लहसुन का कलर चेंज होने तक इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो बस लहसुन का कलर थोड़ा सा सुनहरा होने लगे तब तक हमने इसे फ्राई कर लिया। और अब हमें इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो हमने 1 किलो आलू लिए और आलू को उबालकर छील लिया और इस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हम आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम आलूओं को तेल में फ्राई कर लेंगे। और अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इस स्टेज पर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। हमने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इन मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 1.5 से 2 मिनट तक हल्दी और लाल मिर्च का कच्चापन दूर होने तक हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो हल्दी और लाल मिर्च का कच्चापन दूर होने तक हमने इसे 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। और अब हमने आलू के लिए जो मसाला बनाकर रखा है उसमें से हमने 1 टेबलस्पून मसाला इसमें ऐड कर देना है। बाकी के मसाले को आप किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। क्योंकि आलू पहले से उबले हुए हैं तो हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1.5 से 2 मिनट के लिए थोड़ा और पका लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़े की हमारी चटपटी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। इसे बनाने में आपको मैक्सिमम 10 मिनट ही लगेंगे। और अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसमें 3/4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 चम्मच अमचूर ऐड कर देना है। और इसी के साथ हमने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। आप यहाँ पर अमचूर की जगह 1 टेबल स्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो देखा आपने, बगैर किसी झंझट के सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके कितनी मज़ेदार आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।